Ecoholics. In this video, we'll be understanding about cost, in which we'll be learning about the explicit cost and the implicit cost. So, before starting with this video, you need to understand this video as a producer. इस वीडियो को हम एज अ प्रोड्यूसर, अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझ के पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो कॉस्ट इज़ व्हाट? कॉस्ट इज़ एन एक्सपेंडिचर. इट कॉस्ट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हु. ये एक खर्चा है, उसको कौन उठाता है? इसे उठाता है एक प्रोड्यूसर. सो कॉस्ट इज़ एन एक्सपेंडिचर. फर्स्ट थिंग, cost is an expenditure incurred by a producer on purchase of what? किसे खरीदने के लिए हम ये खर्चा करते हैं? On the purchase of factor of production such as or factor inputs such as land, labor and capital, as well as the non-factor inputs such as raw materials. So cost क्या होता है? एक खर्चा होता है. खर्चा को कौन उठाता है? एक producer. और वो इस खर्चे को किस पे करता है? Non-factor inputs और factor inputs को लेने के लिए. Non-factor inputs में क्या क्या आ जाएगा? आपका raw material आ जाएगा. और factor inputs में क्या आ जाएगा? Land, labor, capital. So this is all about the cost. अब cost होते हैं दो तरह के, ठीक है? Explicit, इम्प्लिसिट. और भी तरह के देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट जिसको हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में विल बी लर्निंग अबाउट द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सो इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम को देखते हैं हम लोग. एक्सप्लिसिट मतलब जो चला गया, अभी नहीं है. इट्स एक्स नाउ, इट्स गॉन. सो वो कॉस्ट जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जिसके लिए हमने पैसे खर्च किए. फॉर एग्जाम्पल, एक जगह किराए से ली, उसका रेंट दिया, तो रेंट हमने दिया, हमारे पास से पैसा चला गया, ठीक है. तो जिन जिन चीज़ों के लिए हम पैसा देते हैं, जिसकी वजह से पैसा हमारे पास से चला जाता है, ऑल दोज कॉस्ट कम अंडर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अभी पढ़ते हैं कि इट्स अ कॉस्ट इनकर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ purchase of factor and non-factor inputs from the market. Factor inputs क्या? For example, land है, उस पर हमने rent दिया, ठीक है, उस पे से rent को देने के लिए हमारे पास से पैसे गए. ओके, labor है तो उसको हमने उसकी wage दे दी, ठीक है. Non-factor inputs for example, raw material है, उसको खरीदने के लिए भी हमने पैसे दिए तो हमारे पास से पैसे चले गए. तो वो खर्चा क्या हुआ कि एक्चुअली हमारे पास से पैसा चला गया, ठीक है. तो वो सारे खर्चे आते हैं आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, मतलब वो चला गया है, वो दैट पैसा इज़ गॉन. दैट कम्स अंडर योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. व्हेयरएज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम ऐसा समझते हैं, फॉर एग्जांपल एक लैंड है, ठीक है, उसमें काम करने के लिए आपके घर के लोग काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है, आप चार लोग हैं और चारों लोग उस पर काम कर रहे हैं. ओके, तो इससे क्या हुआ? आपके जो सेल्फ ओन रिसोर्सेज रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक खुद की कुल्हाड़ी थी, आपने उसी को लगा लिया खेत के काम करने के लिए, आपको दूसरी जगह से लेना नहीं पड़ा या फिर आपको खुद खर्च नहीं करना पड़ा. आपके पास जो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज थे, आपने उसी को यूज़ करके काम पर लगा दिया, ठीक है. उसकी वजह से आपको अलग से कोई कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ा, ठीक है. तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स बाय द फर्म, ठीक है. इससे आपका कोई पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होता है. यू आर यूजिंग योर सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. That was all about the explicit cost and the implicit cost. We'll be learning further about the cost curves in our subsequent videos. Till then, please like, comment and subscribe to our channel Ecoholics. Thank you.